हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाने वाले हैं लाल भाजी साग की रेसिपी। आप सब ने ये लाल भाजी साग तो घर में बना के बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका से बना के दिखाऊंगा। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है लाल भाजी साग। इसको हमने मार्केट से ख़रीद के लाया है, ये एकदम फ्रेश है। आप जब भी ये लाल भाजी की सब्ज़ी बनाएं, एकदम फ्रेश साग में ही बनाएं, तभी ये अच्छा लगता है। अभी हमने इसको बंडल से खोल लिया है, हमने अभी ये साग का बंडल को तोड़ लिया है। और अभी हम ये साग का जितना भी अच्छा अच्छा पत्ता है, ये देखिए, ये सब इसको छाट के हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारा साग को छाट के निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम एक चक्कू की मदद से इसको छोटा छोटा करके काट लेंगे। इसको काटने से पहले हम थोड़े से साग को एक एक करके हाथ में से पकड़ लेंगे और उसके बाद एक चक्कू की मदद से इसको छोटा छोटा करके काट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें छोटा छोटा करके सारा साग को काट लेना है। हमें इसको ज़्यादा बड़ा करके भी नहीं काटना है कि ज़्यादा छोटा करके भी नहीं काटना है। ये देखिए, हम जिस तरह से काट रहे हैं बिल्कुल उसी साइज में इसको काट लेना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी साइज में हमें सारा साग को काट लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने सारा साग को काट के इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए अब हम ये साग को थाली का एक साइड में रख देंगे। ये देखिए, ये बैंगन, अभी हम बैंगन को भी काट लेंगे। ना ज़्यादा बड़ा करके काटेंगे और ना ज़्यादा छोटा करके काटेंगे। चलिए मैं आपको काट के दिखाता हूँ इसको कौन से साइज में काटना है। ये देखिए, हमें इसको यही साइज में काटना है। अगर हम इसको बड़ा करके काटेंगे तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने इसको छोटा छोटा करके काट लिया है। अभी हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। ये देखिए बड़ी, हमने इसको घर में ही बनाया है और इस साग में हम बड़ी का भी यूज़ करने वाले हैं। अभी हम ये सारा बड़ी को छोटा छोटा करके इसे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। ये देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो गया है। सबसे पहले हम बड़ी को इसमें अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करके साग में डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई होके लाल हो गया है। अब हम इसको एक अलग से कटोरे में निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा गोटा सरसों, थोड़ा सा सूखा मिर्ची और इसको हल्का से फ्राई कर लेंगे। इसका ऊपर डालेंगे हमारा कटा हुआ सारा बैंगन और इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें इसको फ्राई कर लेना है। चलिए अब हम इसका ऊपर डालेंगे टमाटर। ये देखिए, हमने दो टमाटर को पहले से ही काट के रख दिया था, अब इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे मिलाने के बाद अभी हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा भाजी साग। हम थोड़ा थोड़ा करके सारा साग को इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। अब जब भी घर में साग की रेसिपी बनाएं, इसमें जितना हो सके उतना कम तेल का यूज़ करें। आप इसको घर में बना के ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें बहुत विटामिन रहता है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, हमने सारा साग को अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और इसको डालने के बाद इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने इसीलिए इसमें नमक को डाला है ताकि इसको पकने में थोड़ा आसानी होगी। चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए, हमारा सब्जी अच्छी तरह से पक गया है और इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी भी निकल रहा है और इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह इसको थोड़ी देर ऐसे मिलाने के बाद अभी हम इसका ऊपर हमारा फ्राई किया हुआ जो बड़ी हमने रखा था इसको हम इसका ऊपर डाल देंगे। ये देखिए,
हमें इसको इसका ऊपर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो इसमें बड़ी का यूज अगर ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन इसमें बड़ी डाल के बनाने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए हमने बड़ी का यूज किया है। चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारा साग कितना कलरफुल लग रहा है। ये दिखने में जितना कलरफुल है खाने में भी उतना टेस्टी लगता है। अब अच्छी तरह से हो चुका है। चलिए अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए अब हम इसको एक चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह सारा साग को प्लेट में निकालने के बाद अब हम इसका ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ती देके इसको गार्निश कर लेंगे। और ये देखिए हमारा भाजी साग का रेसिपी बन के रेडी हो गया है। अब इसको चावल के साथ या फिर रोटी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों ये मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जो नया फ्रेंड है मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।